जादुई मेकअप की चक्की का जादू। ये कहानी 100 साल पहले की है। नील पर्वत से सटा एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस पर्वत के पास ही झील के किनारे एक अद्भुत जादुई मेकअप की चक्की थी। वो जादुई चक्की पास आने वाले हर इंसान को जादुई मेकअप देता था, और जो कोई भी उस जादुई चक्की के मेकअप से अपना मेकअप करता वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता। लेकिन उस जादुई चक्की के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। जिसे भी उस जादुई चक्की का पता चलता वो उसके पास जाकर जादुई मेकअप मांगकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसी गांव में सुचित्रा और प्रमिला नाम की दो सास बहू रहती थी। वे दोनों बहुत ही लालची और मक्कार औरत थी। एक बार सुचित्रा गांव के किसी व्यक्ति को उस जादुई चक्की के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और घर आकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, एक बहुत ही मजेदार खबर लेकर आई हूँ, तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से नाच उठोगी। ऐसी भी क्या सुन लिया माजी आपने? बहू, बहुत ही राज की बात है। नील पर्वत के पास जो झील है वहाँ पर जादुई मेकअप देने वाला चक्की है। बस किसी तरह वो जादुई मेकअप हमारे हाथ लग जाए, फिर तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। अरे वाह माँ जी, आज तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया। क्या कमाल की खबर लेकर आई हो आप। माँ जी, आप बस 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आई। ठीक है, हमसे पहले कोई और वहाँ जाकर सारा जादुई मेकअप वहाँ से ले आए, इससे पहले हमें वहाँ जाना होगा। और फिर दोनों सास बहू उस जादुई चक्की की तरफ चल देती है। उस जादुई चक्की की एक खास बात थी, वो बुरे और लालची लोगों को दूर से ही भाप लेती थी और वो लालची लोगों की मदद नहीं किया करती थी। जादुई मेकअप वाली चक्की, चल अब जल्दी से हमें सुंदर सुंदर जादुई मेकअप दे, ताकि हम दोनों सास बहू उसे लगाकर दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन सके। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सास बहू एक चालबाज और लालची औरत हो, और मैं तुम जैसे लालची लोगों की कभी मदद नहीं करती। मैं तुम्हें कोई जादुई मेकअप नहीं दूंगी, चली जाओ यहाँ से। अरे वाह बहू, इसे तो हमारे बारे में सब पता है, पर शायद इसे ये नहीं पता कि हम जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। हाँ सासू माँ, अब हम इतनी दूर से खाली हाथ तो नहीं जा सकते। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लगता है ये चक्की ऐसे नहीं मानेगी। देख जादुई चक्की, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। हमें पता है जादुई मेकअप तुम्हारे अंदर ही है, और अगर तुमने सीधी तरह से मेकअप हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें तोड़ देंगे। अब जल्दी से मुझे जादुई मेकअप देती हो या तुझे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर भेज दूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें जादुई मेकअप देती हूँ। मुझे हाथ लगाकर 3 बार कहो चक्की चक्की मेकअप दो, फिर मैं तुम्हें मेकअप दे दूंगी। दोनों सास बहू और जादुई चक्की को हाथ लगाकर जादुई चक्की से मेकअप मांग लेती है, और घर आकर जैसे ही उस जादुई मेकअप से अपना मेकअप करती है वो पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये देखकर उसकी बहू प्रमिला कहती है, अरे वाह सासू माँ, देखिए तो मैं कितनी सुंदर हो गई, और आप भी कितनी सुंदर और जवान हो गई हैं। सासू माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। सासू माँ, क्यों ना हम अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल ले, और फिर इस जादुई मेकअप की मदद से काली लड़कियों को गोरा कर दे और खूब सारे पैसे कमाए। वाह बहू, मान गई तुझे। और फिर इस तरह दोनों सास बहू मिलकर अपना एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलती है, और बाहर बोर्ड पर लिख देती है, जिसका जितना भी काला रंग हो, कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, 1000 रुपए दे और सुंदरता हासिल करे। ये बोर्ड पढ़कर गांव की सभी काली और सांवली लड़कियां पार्लर में आना शुरू कर देती है। अरे प्रेमिला, मैंने सुना है तुम अपनी पार्लर में कितनी भी बदसूरत लड़की क्यों ना हो उसे सबसे सुंदर लड़की बना देती हो। मेरी बेटी बहुत काली है, अब तक ना जाने उसके कितने रिश्ते आ चुके, लेकिन उसके रंग रूप को देखकर सब उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मैं तुम्हें 10 क्या 20 हजार रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी बेटी को भी अपने मेकअप से सुंदर कर दो। क्यों नहीं, अरे हमारा काम ही है लोगों से पैसे लेना और बदले में सुंदरता देना। बस तुम अपनी बेटी को लेकर उसे यहाँ छोड़कर चली जाओ,
मैं इसे यूं गोरा बना दूंगी, वो भी बिल्कुल दूध से सफेद। प्रेमिला अपने जादुई मेकअप से उस लड़की को बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की बना देती है। ये देखकर वो लड़की और उसकी माँ दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती है और प्रेमिला को 20,000 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से उन दोनों सास बहू के पास रोज ही कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। उनके रात दुगनी दिन चौगुना कमाई हो रहा था और वो बहुत ही जल्दी बहुत ही अमीर हो जाते हैं। लेकिन उनका लालच दिन पर दिन और बढ़ता ही जा रहा था। जब भी प्रेमिला का जादुई मेकअप खत्म हो जाता तो वो फिर उस जादुई मेकअप की चक्की के पास जाती और उसे बहुत सारा जादुई मेकअप ले आती है और गांव के लोगों से मुंह मांगे पैसे लेकर उनका मेकअप करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जब सुचित्रा और प्रमिला उस जादुई मेकअप के चक्की से मेकअप लेने जाती है तब चक्की बोलती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं तुम्हें रोज रोज जादुई मेकअप देती रहूं। अगर तुम ऐसे ही रोज रोज मुझसे जादुई मेकअप लेती रहोगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करो, कृपया मुझे बख्श दो। नहीं नहीं, वो तो हम मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तेरी वजह से बहुत ज्यादा अमीर हो गए और अब हमारे गांव के ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर के लोग मेरे पार्लर में आते हैं, इसलिए तुम्हें तो मुझे जादू मेकअप देनी ही होगी। चलिए मम्मी जी, अब चलते हैं। कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी शक्तियाँ कभी भी खत्म हो सकती है और मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगी। पता नहीं क्यों मैं इन लालची लोगों के हाथ में पड़ गई। कृपया कोई मेरी मदद करो। इस तरह से जादुई मेकअप की चक्की बहुत रोती है। एक दिन उन दोनों सास बहू के पार्लर में एक बहुत ही गरीब काली सी लड़की आती है और वो प्रेमिला से कहती है, दीदी मैंने सुना है आपके पार्लर में कोई जादुई छड़ी है और आप उस जादुई छड़ी को एक बार जिस भी इंसान के ऊपर से घुमा देती हो वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। दीदी एक बार वो जादुई छड़ी मेरे ऊपर भी घुमा दो ना, मैं भी सुंदर होना चाहती हूँ। दीदी मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत मुश्किल से इस बार मेरा रिश्ता हुआ है दीदी। अगर आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया तो मेरी शादी टूट जाएगी और अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरे माता पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद एक रिश्ता पक्का हुआ था और अगर ये भी टूट गया तो पता नहीं मेरे माता पिता के साथ क्या होगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भी सुंदर बना दो, आपका बहुत एहसान होगा दीदी। ए चल निकल यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है कि तुझ जैसे भूखे नंगे लोग भी मुंह उठाकर यहाँ आने। ये मेरा पार्लर है और यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं, हम फ्री में किसी की मदद नहीं करते। तेरी शादी टूटती है तो टूट जाए, तेरे माता पिता मरते हैं तो मर जाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुझे सुंदर होना है तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना निकल यहाँ से। बहू पता नहीं कहाँ कहाँ से भूखे नंगे लोग आ रहे हैं, इसे ऐसे ही ट्रीट किया करो। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, एक गरीब लोग होते ही इसी के लायक। अब खड़े होकर ये आंसू किसे दिखा रही हो? तेरे आंसुओं से हम पर कोई असर नहीं होने वाला। बाहर लाइन लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमें उन्हें भी सुंदर बनाना है। चल जा अब, जब पैसे हो जाए तब आ जाना, हम बना देंगे तुझे सुंदर। इस तरह दोनों सास बहू उस गरीब गोरी को पार्लर से भगा देती है। गोरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी सोचती है, आखिर इनके पार्लर में ऐसी कौन सी क्रीम है जिसे लगाते ही काला से काला इंसान इतना गोरा हो जाता है, इतना ज्यादा सुंदर हो जाता है। कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? मुझे इन दोनों सास बहू के ऊपर नजर रखनी ही होगी कि आखिर ये कस्टमर के आँख बंद करने के बाद ऐसा कौन सा जादू करती है। ऐसा सोचकर वो गरीब लड़की उन सास बहू पर नजर रखना चालू कर देती है। हमेशा की तरह दोनों सास बहू जादुई मेकअप चक्की से मेकअप लेने जा रही थी, तभी उन दोनों के पीछे गोरी भी वहाँ आ जाती है और वहाँ पर जाकर छुपकर उन्हें देखने लगती है। दोनों जादुई मेकअप चक्की से मेकअप मांग रही थी, लेकिन बेचारी जादुई चक्की रो रही थी। वो जादुई मेकअप देने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर भी दोनों सास बहू जादुई मेकअप लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा तो ये बात है, जादुई मेकअप चक्की से मेकअप लेकर ये सबको सुंदर बना रही है, यहाँ से मेकअप फ्री में ले जाती है और गरीब परेशान लोगों से मुंह मांगे पैसे लेती है और उनकी मजदूरी का फायदा उठाती है।
और इसे इस जादुई चक्की पर जरा भी दया नहीं आता। बेचारी चक्की कितनी रो रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जादुई चक्की, जब आप इतने तकलीफ में हो तो आप उस दुष्ट लालची औरत को जादुई मेकअप क्यों दे रही हो? आपके पास तो जादुई शक्ति है, फिर भी आप इन लोगों का अत्याचार क्यों सह रही हो? अरे बेटा, अगर मैं इनकी मदद नहीं की तो ये लोग मुझे आग में जलाकर मार देंगी। ये दोनों बहुत दुष्ट है, मुझे बहुत परेशान करती है। इनका लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादू मेकअप की चक्की, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे नीली झील के पास ले जाओ और वहाँ पर छोड़कर आ जाओ। मैं अगर नीली झील का पानी पीऊंगी तो दोबारा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैं अभी आपको झील के पास लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, मुझे वहाँ पर ले जाना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लड़की सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और वह जादुई मेकअप की चक्की उठाती है और झील के पास ले जाने लगती है। रास्ते में उसे तरह तरह के जानवर मिलते हैं। वो उनसे बच बच के नील झील के पास पहुंच जाती है और चक्की को नीली झील के पानी में डाल देती है। जादुई चक्की नीली झील का पानी पीते ही फिर से पहले की तरह ही शक्तिशाली हो जाती है और फिर वो गौरी का धन्यवाद कर अपना एक जादुई मेकअप उसे देती है। गौरी, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तुम्हारे जैसे अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, जिसकी वजह से आज भी अच्छाई बची हुई है और एक वो दोनों दुष्ट चास्ट बहू के जैसे लालची लोग हैं, जिसकी वजह से इंसानियत पर से भरोसा उठता जा रहा है। उन दोनों ने मुझे परेशान किया, बहुत तकलीफ दी। गौरी, तुम जादुई मेकअप लगाकर बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी। गौरी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ जादुई चक्की, बताइए क्या करना है? मुझे उन दोनों लालची सास बहू को सबक सिखाना है और उन्हें उनके लालच का फल देना है। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लालच का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। ठीक है जादुई चक्की, ऐसा ही होगा। अगले दिन गौरी जैसे ही उस जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। अगले दिन जब दोनों सास बहू जादुई चक्की से मेकअप लेने आती है तो उसे जादुई चक्की कहीं नजर नहीं आता है। तभी गौरी उन्हें बताती है, नीली पर्वत के चोटी पर जो नीली झील है वहीं पर जादुई चक्की है। दोनों नीली झील के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत खतरनाक जानवर मिलते हैं और वो दोनों सास बहू को खा लेते हैं। इस तरह उन दोनों सास बहू को उनका लालच का फल मिल जाता है और जादुई मेकअप की चक्की सुकून से नीली झील के पास रहती है। गरीब लड़की का फ्रॉक और झुमका। बहुत समय पहले की बात है, बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एंजल नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। वो बहुत ही दयालु तथा विनम्र स्वभाव की थी। एंजल की माँ को गुजरे कई साल हो गए, जिसकी वजह से एंजल के पिता एंजल की देखभाल के लिए जानकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। जानकी बहुत ही दुष्ट औरत थी। उसकी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। एंजल के जीवन में सौतेली माँ और बहन के आ जाने के बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी आते ही एंजल पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक दिन काजल अपनी माँ से कह रही थी, माँ, एंजल दीदी कितनी सुंदर है और उसके कपड़े कितने सुंदर हैं, एकदम राजकुमारी की तरह। माँ, मुझे भी एंजल दीदी की तरह फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी उसे पहनकर राजकुमारी से दिख सकूं। चुप कर, कोई रूप की रानी नहीं है वो, बस अच्छा फ्रॉक पहनी है इसलिए सुंदर दिख रही है। तो चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है बेटी। तभी वहाँ एंजल आ जाती है। काजल, तुम्हें मेरे फ्रॉक पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें अपने फ्रॉक दिखाती हूँ और तुम्हें उनमें से जो पसंद आए उसे तुम अपने लिए रख लेना। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, और तू जाकर अपना काम कर, और ये कुछ सामान की लिस्ट है, जाकर बाजार जाकर ले आ। बड़ी है मेरी बेटी को फ्रॉक देने वाली, अब जा जल्दी। एंजल सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार थोड़ी ही दूर था, बीच में एक नदी पड़ती थी। एंजल जैसे ही नदी के पास पहुंचती है, उसे नदी में कोई मदद के लिए पुकारता हुआ दिखता है। लगता है कोई नदी में डूब रहा है, मुझे कैसे भी करके उसकी जान बचानी होगी।
एंजल को तैरना आता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है और राजकुमार को बचाकर किनारे के पास ले आती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आज ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। जब तैरना नहीं आता तो नदी में जाते ही क्यों हो, मरने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है। अरे नहीं नहीं, मरने से तो मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मैं खुद नदी में नहीं आया, वह पहाड़ से मेरा पैर फिसल गया था और मैं वहाँ से गिरकर नदी में बहने लगा, वैसे अच्छा ही हुआ, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो और अब अपने घर जा सकते हो, मुझे भी देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। लेकिन एंजल राजकुमार की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। राजकुमार जब अपने आसपास देखता है तब उसे एंजल का कान का झुमका वहीं गिरा हुआ मिलता है। झुमका, यह तो उसी खूबसूरत लड़की का है, पर अब वह मुझे कहाँ मिलेगी, उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया। इधर एंजल को बाजार से सामान ले जाने में काफी वक्त लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। सुबह की गई हुई महारानी अब आई है, पता नहीं आखिर कहाँ रंगरलिया मना रही थी, आने दो आज उसे। तभी उधर से एंजल सामान लिए आती है। कहाँ थी इतनी देर से? देखो एंजल, अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी, समझ गई? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इतना बोलकर एंजल अपने कमरे में जाने लगती है। उधर कहाँ जा रही है महारानी? अपने कमरे में माँ, कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वही रुक जा, अब उधर तुम्हारा कोई कमरा नहीं है, अब से तुम बाहर गौशाला में रहोगी और फटे पुराने कपड़े पहनोगी। अब से तुम्हारा वाला कमरा मेरी बेटी काजल का है, आप से ये अपने महाराने वाले ठाट बाट छोड़ दे, और ये ले ये पहन और अपना ये फ्रॉक ले जाकर मेरी बेटी को दे दे, समझी? तू अब इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी, याद कर ले इस बात को। एंजल रोते हुए फटे पुराने कपड़े पहनकर गौशाला में चली जाती है। काजल के दिल में एंजल के लिए बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन वो अपनी माँ के डर से एंजल से ज्यादा बात नहीं करती है। ऐसे ही दो दिन बीत जाता है। एक दिन रात में काजल चुपके से एंजल के पास जाती है। दीदी ये लो खाना, माँ भी सो रही है, आप जल्दी से ये खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है काजल, तुम ही ले जाओ। मैं जानती हूँ दीदी, आपने दो दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज मेरे लिए खा लो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसी कोई बात नहीं है काजल, मैं यहाँ खुश हूँ, इन सब गायों को देखो, ये सब मेरा बहुत ख्याल रखती है और ये सब मेरे साथ कितने खुश है। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। उसी रात एंजल रोते हुए माँ को बहुत याद करती है। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। एंजल रो ही रही थी तभी वहाँ एक लाल परी आती है और बोलती है, एंजल बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब एंजल अपनी सारी बातें उस लाल परी को बताती है। एंजल तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी एक राजकुमार तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम्हारी सारी मुश्किलें बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से चली जाती है। इधर राजकुमार अपने राज्य में आ जाता है, लेकिन वो एंजल को नहीं भूल पाता। उनके आँखों के सामने बार बार एंजल का ही चेहरा आ रहा था। उन्होंने एंजल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एंजल कहीं नहीं मिली। ओ प्यारी लड़की, कहाँ हो तुम, आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तभी राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ दो दिन बाद मेरा 25वां जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ मेरा जन्मदिन समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए और उसमें गाँव के सभी लड़कियों को बुलाया जाए। पर अभी इतना बड़ा समारोह करने की आवश्यकता क्या है राजकुमार? फिर राजकुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। अच्छा, मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है और उसे उसका नाम नहीं पता, इसलिए तुम सारी लड़कियों को समारोह में बुलाना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। माँ आप कितनी प्यारी हो, मेरे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाती हो। माँ वह झुमके वाली लड़की तो आएगी ना? जरूर आएगी बेटे। और फिर महारानी अपने सिपाही से बोलकर पूरे गांव में घोषणा करवा देती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों ध्यान से सुनो, कल गांव के सभी लड़कियों को शाही महल में राजकुमार के 25वें जन्मदिन में आमंत्रित किया जाता है।
जिसमें सभी युवा लड़कियों को आना अनिवार्य है। सभी लोग जरूर आए। माँ, आपको पता है शाही महल में समारोह का आयोजन हुआ है और महारानी ने सभी लड़कियों को महल में बुलाया है। जरूर, महारानी राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढ रही है। तू चिंता मत कर बेटी, उस समारोह में सबसे ज्यादा तू ही चमकेगी और राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। एंजल भी वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ, क्या मैं भी इस समारोह में आपके साथ चल सकती हूँ? माँ, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। हालत देखिए अपनी, कैसी भिखारी की तरह लग रही है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। और वैसे भी राजकुमार को अपनी राजकुमारी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं, समझी? माँ, प्लीज दीदी को भी ले चलो ना। चुप कर, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दिया इस कलमुही ने तुझे। और तू कलमुही, जा और जाकर अपना काम कर। काजल बेटा आ, मैं तेरे चेहरे पर हल्दी का ये अपटन लगा दूं। शाही महल में जाने के लिए काजल बहुत अच्छे से तैयार होती है और उस दिन एंजल वाला ही सुंदर फ्रॉक पहनती है, जिस फ्रॉक में राजकुमार ने एंजल को पहली बार देखा था। माँ देखो तो, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है मेरी बेटी, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। देखना, राजकुमार तुम्हें ही पसंद करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ माँ, अब जल्दी चलो माँ, वरना देर हो जाएगी। वे लोग एंजल को घर में अकेला छोड़कर समारोह के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार नजरें गड़ाए दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि आखिर कब वो झुमके वाली लड़की उसे दिखे, लेकिन राजकुमार को निराशा ही हाथ लगती है। उदास मन से राजकुमार केक काटने वाला था, तभी उसकी नज़र काजल पर पड़ी। यह फ्रॉक तो उसी झुमके वाली लड़की का है, लेकिन यह लड़की तो कोई और है, झुमके वाली लड़की आखिर क्यों नहीं आई? राजकुमार काजल की ओर बढ़ता है। माँ देखो, राजकुमार मेरी तरफ ही आ रहे हैं, लगता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। क्या यह फ्रॉक आपका है? हाँ, ये मेरा ही फ्रॉक है, भला ऐसा सवाल कौन पूछता है? माफ करना, दरअसल मैं एक झुमके वाली लड़की की तलाश कर रहा हूँ। यह देखिए, क्या यह झुमका आपका है? ये झुमका तो जाना पहचाना लग रहा है, शायद ये झुमके मेरी बहन। अरे हाँ हाँ राजकुमार, ये झुमके मेरी ही बेटी का है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ झूठ बोल रही है, ये झुमका मेरी बहन एंजल का है और ये फ्रॉक भी उसी का है। क्या, फिर आप लोगों ने मुझे झूठ क्यों कहा? और कहाँ है आपकी बहन, वह इस सभा में क्यों नहीं आई? कृपया मुझे आप उस लड़की के पास ले चलिए। फिर राजकुमार काजल के साथ गौशाला में आते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अपने अहंकार में मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं एंजल दीदी। एंजल तो आपका नाम एंजल है, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप मुझे मिल गई। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार। और फिर बड़े ही धूमधाम से एंजल और राजकुमार की शादी हो जाती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।